सो फाइनली फैम पे का जो वीजा कार्ड है वो भी अब फाइनली क्लोज हो गया। को पैसा बर्बाद पहन चो। ये आपके मन में डाउट होगा, बहुत ज्यादा लोग परेशान होंगे कि भाई हमारा जो कार्ड इतना रुपए का हमने ऑर्डर किया वो अब किसी काम के लायक नहीं है। बट ऐसा कोई बात नहीं है, उस कार्ड को आप यूज कर पाओगे। चल झूठा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लाइफ प्रूफ आपको बताता हूँ कैसे यूज कर पाओगे। आज के इस वीडियो में फुल एक्सप्लेन करूंगा, साथ में साथ एक और अपडेट जो है आप सभी को बताना जरूरी है, जिसमें आप सभी को SMS अलर्ट के चार्जेस देना पड़ेगा। उसका भी विद ये दोनों जो चीजें बताया मैंने, SMS और कार्ड का, दोनों का प्रूफ दूंगा, लाइव प्रूफ आपको ऑडियो के साथ हमारे जो भी बात हुआ कस्टमर केयर से आपको विद प्रूफ दूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो कार्ड है वो क्लोज हो चुका है, वीजा कार्ड, उसे हम कैसे यूज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ऐसा है कि वीजा कार्ड पहले इन्होंने क्या किया, जो फैम पे सबसे पहले आया था तो उसने अपने लॉन्च किया था रुपे कार्ड, फिर उसके बाद यहाँ पे उसने दोबारा लॉन्च किया वीजा कार्ड, फिर उसके बाद पार्टनरशिप चेंज किया तो उसने वीजा कार्ड लॉन्च किया जिसमें हमने 300 रुपए का देके या हमने अल्ट्रा मेंबरशिप लिया उसके साथ ही हमें मिल गया था कार्ड। बट अब देखो फिर से उन्होंने रुपे कार्ड हमें फाइनली लॉन्च कर दिया है। साइड में स्क्रीन में देख सकते हो यहाँ पे रुपे कार्ड का जो लोगो है यहाँ पे देख सकते हो। अब मेरा कोई भी है क्योंकि ये मेरा अकाउंट जो है फादर का है, मेरा अकाउंट है उसमें आप देख सकते हो अभी भी वीजा कार्ड दिख रहा है। आपको लगेगा भाई अब एक कार्ड तो किसी काम के नहीं है, बट ऐसा नहीं है, ये कार्ड जब तक वैलिड रहेगा जब तक आपके एक्सपायरी डेट है कार्ड में। मान लो कि मेरे जो भी कार्ड है उसमें मेरा एक्सपायरी डेट है 2028, मतलब मेरा जो कार्ड है वीजा कार्ड अब 2028 में क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप दूसरा कार्ड ऑर्डर करते हो तो अब आपको रुपे कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, वीजा कार्ड नहीं दिया जाएगा। सो ये है पहला अपडेट जो बहुत ही अच्छा है भाई, क्योंकि आपका भी कार्ड वर्ड मत फेंकना, तोड़ बोड़ के मत फेंकना, ये गलती मत करना। आप इसे इजिली यूज करो, आराम से यूज करो जब तक आपका एक्सपायरी डेट नहीं हो जाता इस कार्ड का। सो अब सेकंड वाले सभी को यहाँ पे SMS अलर्ट चार्जेस में क्या क्या चीजें हैं। जैसे मान लो आपने 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया ट्रांजेक्शन किया, उसके जो SMS है वो आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। उसके अगर आपको लेना है SMS को लेना है तो आपको उस पर 50 रुपीज दे के आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सो वो मैं कहूंगा भाई सब्सक्रिप्शन मत लो, या 10-20 रुपए के लिए ट्रांजेक्शन के लिए आप लोग सब्सक्रिप्शन मत लो। अगर आप यहाँ से 1000 रुपए से ऊपर ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको यहाँ पे SMS अलर्ट चार्जेस बिल्कुल ही फ्री में है। मतलब मान लो 2000 आपने सेंड किया तो आपको SMS के द्वारा पता चल जाएगा, वही आपने 10-20 किया तो आपको SMS नहीं भेजा जाएगा, आपको यहाँ पे ईमेल पे भेज दिया जाएगा। सो ये था छोटा सा अपडेट। सो अब आपको मैं बता देता हूँ कि आप अब इसे ऑडियो सुन लो, जो आपको भी मन में डाउट होगा भाई ये सच बोल रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। सो आप लोग ये फैम पे से मेरी बात हुई है वो आप ऑडियो सुन लो। हेलो, एम आई टॉकिंग टू विशाल कुमार? जी सर। या दिस इज नितिन कॉलिंग फ्रॉम फैम ऐप, यू हैव आस्क्ड फॉर अ कॉल बैक। सर मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जैसे कि अभी रिसेंटली में आप सभी ने वीजा कार्ड बंद करने वाले हो। हाँ, वीजा कार्ड बंद नहीं करने वाले हैं, हम अपने वीजा कार्ड को अपग्रेड कर रहे हैं रुपे कार्ड से मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत। तो पहले भी तो था रुपे कार्ड, तो आपने फिर बंद करके वीजा लाया था। हाँ, वो हमारा जो रुपे कार्ड था ना पहले वाला, वो हमारा IDFC फर्स्ट बैंक के टाई अप के साथ, जो हमारा टाई अप मतलब सर ये बंद मतलब नहीं होगा, क्योंकि रुपए वीजा कार्ड भी रहेगा और रुपए भी रहेगा, दोनों रहेगा ना। जी जी, मतलब अगर आपके पास पुराना वीजा कार्ड है तो आप उसको यूज कर पाएंगे जब तक वो कार्ड एक्सपायर नहीं होता, वो आपको यूसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस अभी जो नए कस्टमर जो रिक्वेस्ट करेंगे ना, नए कार्ड ऑर्डर जो करेंगे उनको हम वीजा कार्ड की जगह रुपए कार्ड दे रहे हैं, पुराने कार्ड स्टिल आपका वर्किंग होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब जो हमने पुराना जो अपग्रेड किया था उसमें वीजा कार्ड वो चलेगा ना। हाँ, वो जितने भी कार्ड्स आपके पास, अगर आपने फैम ऐप से जो भी कार्ड्स मंगवाए हैं तो हम डिसकंटिन्यू नहीं कर रहे हैं पुराने कार्ड्स को, वो कार्ड आपका स्टिल फंक्शनिंग होगा। बट अभी जो नए अगर ऑर्डर आप करते हो, नया कार्ड ऑर्डर करते हो, तो आपको वीजा कार्ड की जगह रुपे कार्ड मिलेगा। अच्छा, मतलब जो अभी न्यू यूजर्स जितने भी आएंगे उन सबको मिलेगा वही, है ना, रुपे वाला। जी जी जी। और मतलब ये वीजा कार्ड पूरे तरह से बंद हो जाएगा बाद में जब एक्सपायर होने के बाद, कि सिर्फ ओनली दोनों रहेगा कि एक ही रहेगा, इतना बता दीजिए। लाइक वीजा कार्ड जो एक्सपायरी डेट आपका जो कार्ड पे मेंशन है ना, एक्सपायरी डेट एक होता है ना हर कार्ड। हाँ, हाँ, अगर वो एक्सपायर हो जाता है फिर उसके बाद हम लोग बंद हो जाएगा ना, तब फिर हम नया ऑर्डर कर पाएंगे कार्ड। हाँ, तो आप नया ऑर्डर करोगे तो आपको वीजा की जगह फिर रुपे कार्ड मिलेगा। ओह, तो इसी बात को पूरा कंफर्म करना था।
जी, और सर इसका और कोई सहायता कर चार्जेस, सकता हूँ आपकी? जो चार्जेस वाला आया है उसका क्या सीन है सर? मतलब कि हमें अपने अपने मन से रख सकते हैं चार्जेस को, इनेबल कर सकते हैं ना कि वो मतलब देना ही पड़ेगा, चार्जेस, जरूरी ही है। चार्जेस मतलब नोटिफिकेशन चार्जेस बोल रहे हाँ, हो, SMS अलर्ट वाला? अलर्ट, SMS अलर्ट। हाँ, SMS अलर्ट वाला क्या है ना कि 1000 से ऊपर का जो SMS अलर्ट है ना, वो हम ऑटोमेटिक फ्री में भेजते हैं, अच्छा, वो 1000 आपको से। स्टिल मिलेगा, लेकिन 1000 से, हाँ 1000 से ऊपर का जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसका SMS अलर्ट आपको फ्री में मिलेगा, लेकिन उसके नीचे के जो 10 रुपये, 5 रुपये या अंडर 1000 का जो भी ट्रांजेक्शन होगा ना, उसका नोटिफिकेशन हम आपको SMS पे देने के लिए उसका चार्ज है, और अदरवाइज आपको मतलब नॉर्मल हम 1000 नोटिफिकेशन से SMS पे ऊपर ही दो मिलते हजार तीन रहेंगे। हजार 4000 मतलब ट्रांजेक्शन करेंगे, उसका चार्जेस नहीं लगेगा। नहीं, उसका SMS का कोई चार्जेस नहीं लगेगा, उसका चार्जेस नहीं लगेगा एक्चुअली। ये प्रोग्राम ऐसा है कि आप एक बार 50 रुपीज़ पे कर दिए ना, इसका जी, एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड का है, एक बार आप पे कर दिए तो आपको फिर दोबारा पे करने की जरूरत नहीं 1 साल लाइक तक, वो सर जैसे आपका कि वैलिड रहेगा। हमने उसको पे नहीं किया और हमने मतलब कि हमें इनेबल नहीं करना, तो ये जरूरी तो नहीं कि हम इनेबल कर सकते हैं? अगर हमें चाहिए तो रख सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमें लेना ही नहीं पड़ेगा? नहीं ये नहीं नहीं ये कंप्लीट आपकी मर्जी पे है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो उसे छोड़ भी लाइक सकते हो, सर कोई हमने प्रॉब्लम नहीं नहीं, लिया, आपको ईमेल अगर पे नोटिफिकेशन अगर सेंड। सर हमने नहीं लिया तो हमें SMS नहीं मिलेगा ना? 1000 से नीचे के SMS नहीं मिलेंगे, ओके सर, बस सर यही डाउट वो क्लियर ईमेल करना पे जो था। नोटिफिकेशन जाता है वो जी नोटिफिकेशन आपको स्टिल मिलेगा फ्री में, ओके बस सर, वो SMS जो है ना वो 1000 से नीचे के ट्रांजेक्शन के लिए चार्जेज हैं। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, और कोई सहायता चाहिए आपको? बस सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं अपने कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आपने ऑडियो सुन लिया, सो देखो यही था सच्चाई। और कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करना यार, कमेंट करना, ज्यादा फैलाना। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।